हेलो गाइज, वेलकम बैक टू आवर चैनल। दिस इज फैजान, दिस इज प्रतीक। सो गाइज, एक और इंटरेस्टिंग सा वीडियो लेकर आपके लिए हाजिर है, और ये एक इंटरव्यू होने वाला है सारा खान का, वॉइस ओवर मैन का। और इसकी बहुत रिक्वेस्ट आ रही थी, हालांकि एक साल पुराना वीडियो है, फिर भी रिक्वेस्ट बहुत थी, रिक्वेस्ट बहुत थी, तो हमने सोचा कर देते हैं। तो स्टार्ट करते हैं बिना कोई टाइम वेस्ट किए। हियर वी गो। गो। जी हाँ, आज मेरे साथ जो मासूम सी लड़की मेरे हाथ लगी है, वो दरअसल हाथ लगी है, ज़्यादा ही मासूम थी, लेकिन फिर टेढ़े प्रोड्यूसर्स के साथ काम कर करके ये भी थोड़ी सी टेढ़ी हो गई, टेढ़ी हो गई। जुनैद खान और आगा अली के साथ इन्हें तकरीबन 200 ड्रामे किए हैं, 200 और मेरे साथ रियल लाइफ में एक नन्ही सी उम्र में इन्होंने अपना काम शुरू किया, और बहुत जल्द शोबिज और लाखों फैंस के दिलों में अपनी जगह बनाई, टीवी ड्रामों की और एड्स की जान। और आज मेरी मेहमान मिस सारा खान। अच्छा इंट्रो सारा, वेलकम। इंट्रो सबका इंटरेस्टिंग ही कराते हैं। ये पहन तो मैंने लिया, फिर मैंने रास्ते में सोचा कि मैंने क्या पहन लिया, मैं पहन के कहाँ जा रही हूँ। बड़ा अच्छा है ये रेनबो टाइप, सतरंगी बारिश भी हो रही है बाहर, तो आपने अच्छा बड़ा माहौल बनाया हुआ है। आप ऐसे काफ़ी स्टाइलिश हो गई है, मैंने देखा है उस दिन, मैंने आपसे स्टाइलिश देखा था, हम का जो वो था जी, उसमें आपको जापानी जाकूजा टाइप बनी हुई थी, अच्छी लग रही थी बहुत। सारा ये बताएं कि आप को अपने करियर के आगाज़ में कुछ स्ट्रगल करना पड़ा, या फिर ऐसा हुआ कि आए ना आपके लिए हीरोइन की कुर्सी रेडी है, आए? ये सच है क्या कि मैंने जरा सा भी स्ट्रगल नहीं किया? अच्छा, आते साथ एक दिन भी स्ट्रगल नहीं करना पड़ा, आते साथ ही मैंने पहला ड्रामा साइन किया था। ऐसी एक जगह मुझे प्रोड्यूसर मिले थे, उन्होंने कहा कि आप ड्रामा करेंगे, तो मैं डिनर पे चलेंगे, ये कहा हुआ? नहीं नहीं, डिनर पे, डिनर पे कहा होता तो वो मार खाते। अच्छा, वो बहुत अच्छे दोस्त भी हैं। सैफी हसन। अच्छा, सैफी तो शरीफ आदमी है। सारा आप सिंगल है कि डबल? सिंगल। हमारे ऑडियंस फैंस काफी ये जानना चाहते हैं आपके बारे में। एक्स्ट्रा सिंगल। एक्स्ट्रा सिंगल चल रही है। एक्स्ट्रा सिंगल को रिश्ता अप्लाई करना हो तो क्या प्रोसीजर है, कि कैसे बात किसे बात करनी पड़ेगी, या लेटर लिखना पड़ेगा, एप्लीकेशन है कोई इसके लिए? अभी मैं तैयार नहीं। नहीं तैयार? अभी मैं एक्स्ट्रा सिंगल रहना चाहती हूँ कुछ अरसे तक। जब आपका मूड हो जाएगा तो इसका कोई प्रोसेस प्रोसीजर है? देखेंगे, ऐसे हो सकता है कि कोई लड़का दिखा मुझे बहुत ही अच्छा लग गया, तो मैं कहूँगी अगले दिन ही शादी कर लूँ। ऐसा होता है मेरे साथ बहुत हो चुका है, मैं ऐसा करूँगी कि मुझे पसंद आ जाता है, बहुत हुआ ऐसा, अगले दिन शादी नहीं हुई क्योंकि फिर वो उनकी फैमिली वाले नहीं मानते थे। सर ये बताएं कि आपका पहले फर्स्ट प्ले के अंदर या वन ऑफ द फर्स्ट फ्यू प्लेज के अंदर कोई गड़बड़ हुई? हाँ, मैंने अपने दूसरे ड्रामे के अंदर अपने डायरेक्टर को थप्पड़ मार दिया था, असल में मार दिया था, असल में मार दिया था। ये तो बहुत ही स्पाइसी न्यूज निकली है, वो भी सारा खान जैसी मासूम लड़की से, जो थप्पड़ मार दिया आपने? थप्पड़ मार, और मैंने डर के मारे थप्पड़ मार दिया था, कि मैं बड़ी हीरो बन के मैंने डर के मारे थप्पड़ मार दिया था। डर के मारे मार दिया? मेकअप रूम में थे हम, थप्पड़ लगाया था, मैंने सोचा कि यहाँ तक कोई भी नहीं है, कोई किसी को कैसे पता चलेगा थप्पड़ मारा, तो मैं बाहर जाके मैंने चीखा, जब वो चीखते हुए बाहर आया तो मैंने एक और थप्पड़ लगाया ताकि सब देख लें और सबको पता चले। दो थप्पड़ मारे आपने डायरेक्टर को? यार तो बहुत खतरनाक है, बड़े बड़े लोगों से खतरनाक निकली है, टेररिस्ट वो। वो मुझे फिल्म पे ले जाना चाहते थे और मैं नहीं जाना चाहती थी, तो वो मेरे पीछे पड़ गए, चलो ना चलना, फिर उन्हें जब मेरा हाथ पकड़ाना, फिर थप्पड़ तो पकड़ा। अच्छा, हाथ पकड़ लिया? आजकल के जमाने में हाथ पकड़ के दिखाया? देखिए, क्योंकि मुझे देख के लगता है मैं बहुत मासूम हूँ, मैं कुछ नहीं कहूँगी, आपको इनमें से सबसे ज्यादा सेक्सुअल अदाकार कौन लगता है? बिलाल अशरफ, शहरयार मुनव्वर, अली रहमान, फिरोज खान या फिर वसीम अब्बास? सेक्सुअल पता है ना आपको क्या होता है, मैं किस किस मामले में बोलता हूँ। अच्छा, पहले कौन था? बिलाल अशरफ। बिलाल अशरफ, शहरयार, बिलाल अशरफ जो आजकल आधे कपड़े पहन के घूम रहा है। हाँ, यही लगता है, यही लगता है। अली रहमान मुझे अच्छे लगते हैं, फिरोज मुझे अच्छे लगते हैं, और ये बेस्ट बिलाल अशरफ। बेस्ट। सारा चलते हैं हम अपने ट्रू और फॉल्स राउंड की तरफ, क्योंकि झूठ आप मुझे पता नहीं बोलती। रेडी हैं? रेडी। मेरा इंडस्ट्री में कोई दुश्मन नहीं है, सब मुझसे बहुत प्यार करते हैं। मुझे लड़कों में कोई इंटरेस्ट नहीं है, आई मीन इंडस्ट्री के लड़कों। ट्रू। ट्रू? 100%। हाँ, 100%। क्या चबल होते हैं सारे? चमन होते सारे? ए
इंटरेस्ट नहीं है मुझे कोई। मैं शादी करूंगी तो किसी अमीर बिजनेसमैन या गैंगस्टर से। गैंगस्टर से नहीं करूंगी, अमीर बिजनेसमैन से कर सकती हूं। ताकि रिटायर हो जाए। आप तो फिर आप किस किस्म के बंदे से शादी करना चाहते हैं? देखें, अच्छा इंसान होना चाहिए। अच्छा इंसान बहुत बड़ी बात कही है। होते हैं बहुत अच्छे इंसान। आपको फिर अपने हिसाब से उसकी प्रोग्रामिंग और ऑर्डर करना पड़ेगा कि मुझे ऐसा ऐसा चाहिए कि हाँ ये मैं करूँगी। वो www.alibaba पर मिलते हैं कुछ जिसमें आप निकाले और वो आपके साथ नकली लड़के नहीं चाहिए मुझे। नकली लड़के नहीं चाहिए मुझे। बहुत आसानी से प्यार हो जाता है। ट्रू के फॉल्स? किस लड़कों से या वैसे वाला प्यार? वैसे भी हो जाए क्योंकि ये PG-13 शो है तो इसलिए मैं फैमिली फंक्शन है। फैमिली फंक्शन है तो आप मतलब लड़का ना भी हो। हाँ हाँ मुझे सबसे प्यार हो जाता है। सबसे आपको प्यार हो जाता है? हाँ आराम से। सारा टीवी तो आपने दबा के की किया लेकिन आपने अभी तक कोई फिल्म नहीं की, क्यों? जी क्योंकि देखें मैं स्केच शो नहीं कर सकती ज़्यादा, मैं किसी आइटम नंबर पे डांस नहीं कर सकती, तो मुझे लगता है कि अभी तक कोई ऐसी फिल्म बनी नहीं जिस पर मुझे लोग आपको लगता है फिल्मों में से नहीं होता है। सिर्फ ये नहीं होता लेकिन ये भी होता है। आपकी अल्टीमेट फैंटेसी क्या है काम के हवाले से? काम के हवाले से देखें मुझे ना कोई बहुत ही क्रेजी कैरेक्टर करना है जो लोग मेरे बारे में सोच भी नहीं सकते। इतना क्रेजी, कोई बहुत ही ट्विस्टेड पागल लड़की नेगेटिव वो बहुत बुरी लड़की हो कुछ इस तरह का। आप ऐसा करें, आप का कैरेक्टर क्यों नहीं कर रहे? या एक नई और लड़की है अमर, वो करने ट्राई करें। अमर तो मेरी दोस्त है। फरियाद का कैरेक्टर कर दें आप अगर आपको इतना पागल। सर ये बताएं कि आपकी सबसे ज्यादा किस बात पे हटती है? जब प्रोड्यूसर चेक लेट देते, जब सेट पे लोग फुल घी वाले खाने ले आके खिला देते हैं और कहते हैं ये बजट है, ठीक है। जब कोई जानने वाला सोशली मिले और आंखें चुरा के एंड जो उधर चले जाता है कि भाई मैं क्यों आया बोलूँगा। नंबर 4 जब सोशल मीडिया पे लोग खाम खा बजाते हैं, या नंबर 5 जब लोग मुझसे बात करते हुए मेरे चेहरे के अलावा बाकी सब जगह देख रहे हो। इस बात से ऐसे लोग तो चाहते हैं कि पढ़ के मारना शुरू कर दो। ये काफी होता है वैसे, मैंने देखा सुना और ऑब्जर्व किया है। फिर ऐसे लोग सब जिंदगी में कभी उन्हें सलाम भी ना कर, मुझे इतनी चढ़ाती है उन लोगों से। अच्छा है। ये बताएं सारा कि इनमें से अपना कंपटीशन आप किसको मानती हैं? इफ एनी, उर्वा एंड मावर हुकैन से? इफ एनी, इकरा अजीज, हानिया आमिर, मायरा खान या फिर फिरदौस जमान? फिरदौस जमान। वो आजकल बड़ी मीठी मीठी बातें कर रहे हैं वो आजकल, देखा आपने वो? देखा आपने? कुछ बताना चाहती थी लेकिन छोड़े। ये बताएं सारा कि आप एक्टर नहीं होती इनमें से क्या होती? स्कूल टीचर होती, शेफ होती यानी कि बावर्ची, हेयर स्टाइलिस्ट होती यानी कि हजाम, जिम इंस्ट्रक्टर होती, यूएफसी फाइटर होती, अंडरग्राउंड या सियासतदान होती? मैं होती हेयर ड्रेसर। हेयर ड्रेसर होती है? हाँ। आपने बाल अच्छे बनाए हैं, अच्छे किए। हालांकि वो चपेट वाली बात के बाद तो मुझे यूएफसी फाइटर वाली ज़्यादा क्लोज लग रही है चांसेस आपके बिना होते हुए। चलते हैं हम अपने एक्सट्रीमली ओरिजिनल सेगमेंट की तरफ। आपने शो पहले देखा है? देखा है ना, और आपको पता है कि आज कितना साफ जा रहा है। हाँ, मैं 50,000 कमेंट आने हैं कि नहीं मज़ा नहीं आया, मज़ा नहीं आया, आपने वो क्यों नहीं पूछा सारा से, आपने वो क्यों नहीं पूछा। पहला वर्ड जो आपके दिमाग में है वो आपने मेरे मुंह पे मार देना, ठीक है? जिस तरह आपने आइटम नंबर हमेशा नहीं होने चाहिए, जहाँ जरूरत है उतर कर। ओके, व्हाट शोज? अच्छे वकार जका। आई लाइक वकार जका। अच्छा, पहली बंदी है वकार जका। ब्लॉगर बरादरी? मुझे समझ नहीं आते वो लोग क्या चाहते हैं जिंदगी से, चाहते क्या जिंदगी से। फिल्म प्रीमियर्स अच्छे होते हैं, मजा आता है। शो बिज पार्टीज? मैं कभी गई नहीं। तो आपको टोनारी लोग पसंद नहीं आते जो कहते हैं ये सारा ड्रायन नहीं तुम जान नहीं जाते? अच्छा, आप आपको ऐसी टोनारी। पाकिस्तानी सिनेमा कहाँ जा रहा है? अच्छा जा रहा है, बहुत अच्छा जा रहा है। वेब सीरीज का क्या माजरा है? वेब सीरीज बननी चाहिए क्योंकि अब मुझे लगता है वेब सीरीज का कुछ ज्यादा ही जमाना आ गया, तो वेब सीरीज होनी चाहिए पाकिस्तान में। इमरान खान, वन वर्ड। मेरे फेवरेट। चाय की कॉफी? कॉफी सुबह, शाम में चाय। बिरयानी की निहारी? निहारी। शलवार कमीज की जीन्स की पैंट? शलवार कमीज। ब्राइटर फ्यूचर किसका, इकरा की हानिया? दोनों का। मेरे अलावा फेवरेट यूट्यूबर कौन है आपका? मुझे, मैं सच बताऊं मैं सिर्फ आपके शो देखती हूं, मैंने और कुछ खास इतना देखा नहीं है। थैंक यू, आई लव यू टू। मेरे अलावा सबसे ज्यादा गुलबंदन लड़का कौन?
कौन? मेरे अलावा सबसे ज्यादा गुलबदन लड़का कौन? आजकल की बात करेंगे तो शहरोज़ पाकिस्तान के बाहर ट्रैवल करना। मैंने इतना खास ट्रैवल नहीं किया लेकिन न्यूयॉर्क। आपका फेवरेट अपना आपका फेवरेट ड्रामा? नहीं अपना आपका नहीं, आपका अपना फेवरेट ड्रामा। मेरा अपना फेवरेट ड्रामा अब तक का है बेलापुर की डाइन और अलविदा। हां डाइन में तो मजा आया, डिफरेंट था, डाइन में डिफरेंट था, अलविदा में नेगेटिव था। यार के प्यार, यार और प्यार साथ होने से हम इस यार के प्यार कर इसका मतलब आपने तुक्के लगाने दबा के ठीक है वो लगे ना लगे उसमें कोई मसले की बात नहीं। सही है। आपकी शादी कब होगी? एक साल के अंदर। एक साल के अंदर, इसका मतलब वो पहला वाला प्रोसेस सारा हो चुका है, वो यारी और दो कारोबारी और दोस्ती। नहीं ना, मैंने कहा ना कि देखे लड़का पसंद आएगा उसमें शादी करेंगे, फॉरन अरेंज मैरिज। ठीक है, सही है। मैं भी नेक्स्ट ईयर फ्री हूं। टीवी पे रोंदू ड्रामे बनना कब बंद होंगे? अल्लाह नहीं होंगे, नहीं होंगे, नहीं होंगे। कौन एक्टर रोल के लिए गंजा होने के लिए तैयार हो जाएगा? इतना क्रेजी कौन लगता है? कोई नहीं, इमरान अशरफ। अदनान सिद्दीकी कब बाज आएंगे? कभी नहीं। आपकी पहली फिल्म में हीरो कौन होगा? देखें मैं फिल्म वो करूंगी जिस हीरोइन ज्यादा जिसका काम, हीरो फिर कोई भी चलेगा। नेपोटिज्म के बारे में क्या ख्याल है? कोई ख्याल नहीं है, होनी चाहिए ना। सही है। सोशल मीडिया पे अगला स्कैंडल किसका होगा? आपका बना है अब तक कोई कंट्रोवर्सी? इफ नॉट अ स्कैंडल? नहीं नहीं, मैं बड़ी लकी रही हूँ, मेरे बारे में कुछ भी नहीं बात नहीं कभी ना मुझे गंदा कमेंट आता है ना कुछ। हाँ अगला सवाल मेरा यही था कि कमेंट तो देखें बजाते तो हैं लोग, क्या कुछ भी हो जाए, आप ऐसे भी बैठी हो यहाँ तक कपड़े पहन के फिर भी लोग तो बजाएंगे, तो आपकी किस बात पर बजाएगी कभी भी? देखो मेरा इमेज बड़ा वो ही वाला है हमेशा से, लोगों ने मुझे हमेशा ऐसे पूरे कपड़ों में और ऐसे ही देखा है, तो कभी अगर मैंने जीन्स पहन ली ना जैसे अभी पहन ली है तो उसको होता है कि आप बदल गए हैं। अच्छा, बदल गए। बस ये इससे ज़्यादा मेरे किसी ने नहीं कभी। जीन्स पहनने से इंसान बदल गया। बदल गई, आप बदल गए। तो बेसिकली कपड़ों पे ही। हाँ बस, उसके अलावा नहीं, कभी नहीं। अपने और नूर के अलावा नेक्स्ट बिग थिंग इन शोबिज कौन हो सकता है या हो सकती है? इकरा है। इकरा, हाँ। सारा आप 15 साल बाद अपने आप को कहाँ देखती हैं? मैं फिल्म प्रोड्यूस कर रही होंगी, मैं अच्छा प्रोड्यूसर बन जाऊंगी। ये बताएं कि इनमें से आपको सबसे ज़्यादा आईटी कपल कौन लगता है? आईटी कपल समझती है ना, वो मैगजीन में नहीं लिखा हुआ था ब्रैड एंजेलिना आईटी कपल? सही सही, आईटी होता है ना इट कपल। ओ इट, हाँ मुझे आज किसी ने बताया नहीं तो मैं आईटी बोलते रहता हूँ। आसिम और हानिया, इकरा और यासिर, असद और ज़ारा या अहद और सज्जद? अहद और सज्जद। अहद और सज्जद, हाँ क्यूट कपल। आई लाइक देम। इस सेगमेंट का नाम है क्या? सज्जल अली। और रेडी? रेडी। किस इंडस्ट्री से? पेशेंट, बहुत पेशेंट। अपनी फैमिली से? पॉजिटिव रहना हर हाल में। ज़ालिम समाज से? उनकी वजह से खुद ज़ालिम नहीं होना। ब्लॉगर बरादरी से? और ये जो रोंदू ड्रामे हैं इनसे क्या सीखा? अगर कोई एक चीज सीखी हो उन ड्रामा से जरूर सीखा है जिसमें औरत को बड़ा मजबूत दिखाया है रोंदू ड्रामा के। आप रो तो नहीं लेकिन एंड में कुछ अच्छा भी तो हो। ठीक है, आपका एक ऐसा टैलेंट जो किसी को नहीं पता? कुछ नहीं, मेरे बारे में किसी को कुछ नहीं पता। आज पता चल जाएगी कुछ बातें नहीं। चले मुझे तो बात चला कर रही है, वो मैं इस इंटरव्यू के एंड की तरफ लेके आऊंगा। कोई बात नहीं, पता मेरे पास एक टैलेंट है, मैं अपना दिखा दूं अगर आप इंटरेस्ट करते हैं। मैं पता है डायनासोर की आवाज़ बड़ी अच्छी निकाल सकता हूँ। डायनासोर की आवाज़ ही कैसी मुझे ये नहीं पता। आप डर तो नहीं जाएंगी? ये ये देखें, ये देखें जुरासिक पार्क देखी ना आपने? सारे साउंड इफेक्ट आपके भाई ने किए? सारे साउंड इफेक्ट ये इसको हाथी के लिए भी आप ये हाथी सही हाथी से मिल सकता हाथी दिखती है
इस साइकिल का नाम है आखिरी बार साइकिल कब चलाई थी? आखिरी बार साइकिल चलाई थी 2 साल हो गए। आखिरी बार खुल के हंसी? 2 साल हर वक्त अभी भी मैं खुल के हंस रही हूँ। वेरी गुड, हसमुख है ये लड़की। आखिरी बार किसी से लड़ी कब थी? लड़ी कब थी? लड़ती नहीं मैं, बस मैं बात नहीं करती। अगर मुझे लड़ना है तो बात नहीं करूँगी। आखिरी बार चेक टाइम पे कब मिला था? कभी नहीं। मुझे भी लग रहा है कभी नहीं। आखिरी बार प्यार कब हुआ? प्यार मुझे हर वक्त होता रहता है, मुझे आपसे भी प्यार हो गया। मम्मी से बात नहीं करना। आखिरी बार ठेले से बन कब आपको खाया था? खाया है, पिछले हफ्ते ही खाया होगा। आखिरी बार बस में कब बैठी? बस में बचपन में बैठी थी आखिरी बार, स्कूल जाने के लिए कभी बैठी होंगी। ये बताएं कि ये फिल्में अगर यहाँ बनती पाकिस्तान में तो कौन सबसे ज्यादा सूटेबल कैरेक्टर होता? दबंग में सलमान खान, दबंग में सलमान खान, फिरोज। क्वीन में कंगना करो, गोविंदा कौन है पाकिस्तान का या कल बन सकता है? अहमद अली भट्ट। अच्छा हम चलते हैं इस सेगमेंट में। ये है, इससे पता चलता है कि आप कितनी स्ट्रीट स्मार्ट हैं। ठीक है, बस में आप बचपन में बैठी थी, लेकिन देखते हैं इन वर्ड्स के आपको मतलब पता है कि नहीं। खड़पैंच ये मैंने पहली बार सुना। नहीं सुना कभी आपने? बड़ा खड़पैंच आदमी है। ये तो बहुत सुना है, मतलब कोई मुझे एक दफा ये वर्ड मैंने सुना, मैंने अपने भाई से पूछा कि इसका मतलब क्या होता है। मेरे भाई ने कहा छोड़ो, तुम नहीं बोला था। नहीं बोला था। अच्छा। इतना ही पता है मुझे। इस सिचुएशन से खेलते हैं ना, मैं एक बात बोलता हूँ और आप बताएंगे यहाँ पर सूट करता है क्या। ठीक है, सही है। मेरे पीछे शायद सारी लड़कियाँ पागल हैं। पौका बनता है, मतलब क्या इसका? सही जगह यूज किया। अगलामबाज क्या होता है? अच्छा वो तो नहीं है उर्दू की डिक्शनरी में, आप खुद सर्च कर लीजिए। जैसे आपके भाई ने कहा ना, मैं भी कहूँगा कि आप ना यूज कीजिएगा ये वर्ड। पिस्सू क्या होता है? पिस्सू मैंने भी सुना है। हाँ, कीड़ा ही होता है जो खून चूसता है, लेकिन अक्सर इंसानों के बारे में भी यूज किया जाता है। ये बड़ा पिस्सू आदमी इंडस्ट्री में बेस्ट डांसर, खून चूसने वाला, खून चूसने वाला। माहिरा बड़ा अच्छा डांस करती है वैसे, माहिरा। और न्यू एक्ट्रेसेस को क्या एडवाइस देंगे? खाना जेंडर से मंगवाया करें? नहीं, मैं बताती हूँ न्यू एक्टर्स को, मैं ये एडवाइस करना चाहूँगी कि प्लीज़ खुदा के लिए काम पे ध्यान दें। काम पे ध्यान दो, टाइम पे आ गए, टाइम पे आ गए, काम पे ध्यान दें। ये जेंडर्स और वैनिटी फिर मैंने खुद ही मिल जाएगा। सारा मैंने आपसे आज तक कुछ नहीं मांगा, सही कह रही हूँ? ठीक है, मैं आपसे मांग करता हूँ कि आप प्लीज़ मुझे गाना सुनाएं, क्योंकि मुझे पता है बहुत अच्छा गाती है। तो कौन सा गाना सुनाएंगी इस शो पे वॉइस ओवर मैन पे पहली दफा? सारा कौन सा गाना हमें सुनाएंगी? आप उर्दू सुनना चाहते हैं, अंग्रेजी सुनना चाहते हैं? मैं सब कुछ सुनना चाहता हूँ। मुझे दो लाइनें अंग्रेजी की सुना दें तो मुझे बिल्कुल समझ नहीं आएंगी, और 2 लाइनें उर्दू गाने की। उर्दू सुनाती हूं। उसका गाना आता है आपको चार्ली पुतनी का? चार्ली पुतनी का पुतनी नहीं है वो, उसकी स्पेलिंग मुझे देखी थी मैंने, PUTHNI। नहीं नहीं, पुत। अच्छा, पुतनी है वो। What would my daddy say? यार आप तो बिल्कुल क्रिस्टीना एगुलेरा की तरह गाती हैं यार। आ आ आ आ आ इतना सांस लेके आपने बड़ा अंग्रेजों की तरह गाया यार। अस्सलाम वालेकुम, मैं सारा खान, आप मुझे देख रहे हैं वॉइस ओवर मैन पर। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा प्लीज लाइक करें और सब्सक्राइब करें। सही है, बहुत सही है। तो भाई कैसा रहा? इंटरटेनिंग इंटरव्यू था बहुत ही ज़्यादा। मतलब असल में क्वेश्चन भी कुछ ऐसे पूछते हैं इंटरेस्टिंग, कि सामने वाला जवाब देता है तो फिर वो इंटरटेनिंग हो जाता है।
मतलब बहुत सारी चीज़ें लाइक इनके नेचर में थोड़ा पता चला अपन को, इनका नेचर लग रहा है कि लाइक थोड़ा सिंपल रहना पसंद करते हैं. मतलब इतना बोलते हैं ना, इतना मतलब इतना चार्म पसंद ना होना, थोड़ा सिंपल लाइफ अच्छी लगती है. मतलब इस टाइप के लगे मुझे थोड़ा सा. मेरे ख्याल से एक बात बोल रही थी कि इनको कोई सा रोल करना है बहुत ज़्यादा नेगेटिव रोल करना है, एकदम डिफरेंट रोल करना है कुछ इनको. एकदम अलग जो बहुत बुरा हो, जो बुरा हो थोड़ा अलग सा हो. और मूवी करेंगे तो ऐसे करेंगे जिसके अंदर हीरो का रोल हो तो दिक्कत नहीं है. इनका बड़ा होना चाहिए, इनका जो एक्ट्रेसेस एक्ट्रेस है उसका मेन लीड रोल होना चाहिए. एग्जैक्टली. और ये जो अभी ये एक साल पुराना वीडियो है, अभी इसमें ये बोल रहे हैं कि इनको कोई ऐसा रोल करना है जो बहुत बुरा हो, इंसान बहुत बुरा हो. अभी इनका एक ड्रामा चल रहा है सबात करके. अच्छा, उसमें इनका बहुत नेगेटिव रोल है. चलो, मतलब इनको चाहिए था, मिल गया. जो एक्टर है मेन लीड रोल में, ये बड़ी बहन है. अच्छा, इनका रोल बहुत नेगेटिव है, एटीट्यूड वाला. इनको बताया है जैसे इनको चाहिए था. सिर्फ अपनी चलाना और खुद को हमेशा सही समझना, एकदम अजीब सा लग रहा है. और खुद मतलब दूसरों को खुद के हिसाब से चलाना, ऐसा कुछ बताया है. ओके, तो यार इनने इनकी ख्वाहिश पूरी कर ली. ये तो एक साल पुराना वीडियो है, इन्होंने इनकी ख्वाहिश पूरी कर ली है. सही बात है, बहुत हंसमुख है यार, बहुत हंसमुख है. नेचर अच्छा लगा जितना जान अभी जितना इंटरेक्शन हुआ. और इनकी बातों से ऐसा लगा कि इनको अरेंज मैरिज में इंटरेस्ट है, लव मैरिज में कोई इंटरेस्ट नहीं. हाँ नहीं, इन्होंने बोला सबसे प्यार हो जाता है, सबसे प्यार हो जाता है. बट वो जब शादी का जिक्र आया तो उन्होंने बोला कि पसंद आया कर लूंगे अरेंज मैरिज. अरेंज मैरिज का उन्होंने स्पेशली नाम लिया. सही, अरेंज मैरिज उन्होंने बोला, मतलब उनको अरेंज ही करनी है. लाइक वो देखते हैं, अभी शायद उनकी शादी हो चुकी है, वो पता नहीं अरेंज हुई है लव हुई है. एग्जैक्टली, वो पता नहीं है उनको, वो शायद पता नहीं है. एग्जैक्टली. और बहुत गाना बहुत अच्छा गाया लाइक लास्ट में. गाना उन्होंने मेरे ख्याल से जो पूरी तरह से जो अंग्रेज सिंगर गाते हैं उसी हिसाब से. चार्ली का सॉन्ग, उनका सॉन्ग शायद, मतलब सॉन्ग बहुत अच्छा है. एंड लिटरली मुझे आइडिया नहीं है किसका सॉन्ग है, बट अच्छा था, बहुत ही अच्छा गाया उन्होंने. लगा नहीं था कि यार, मतलब बोला था ना, इन्होंने बोला था कि कोई मेरे बारे में कुछ नहीं जानता है. मैंने उस टाइम भी बोला था कि एकदम लास्ट में मैं आपके बारे में एक चीज़ बताऊंगा, आपको करना पड़ेगा. शायद वो यही चीज थी, इनको पता था कि वो अच्छा गाना आता है. ठीक ठाक कर ली उन्होंने सिंगिंग. तो आपको कैसा लगा हमारा रिएक्शन, आप कमेंट करके बताना. वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताना. अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और सब्सक्राइब करें तो बेल आइकन को जरूर दबाइए. सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन मेक लव नॉट वार.